मैं ऑडियंस में नीचे बैठा हुआ था, तो रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्ला हमारे करीब आओ कुरान सुनाओ। उनका या रसूलुल्लाह कुरान तो आपने नाजिल हुआ है, आपने फरमाया कि मुझे दूसरों से सुन के लुत्फ आता है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान का मुसलमान वर्सेस कुरान का मुसलमान, कुरान विद ट्रांसलेशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। तो अली मिर्जा जी के तो बहुत बयान हम सुन चुके हैं, हमें पता है अब कि वो कैसे बात करते हैं। वो बिल्कुल भी बटरिंग नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें फूल मिलेंगे या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लोगों को अपनी बातों में उलझाऊं और प्यार से वो करूं, जो सच है वो सच बताते हैं। और आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान का मुसलमान वर्सेस कुरान का मुसलमान, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक पहली बार सुना है कि पाकिस्तान का मुसलमान वर्सेस कुरान का मुसलमान, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बुखारी मुस्लिम हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। दुनिया में 1.5 अरब इंसान इस किताब को अपने माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज समझते हैं। ये इस प्लेनेट अर्थ पे अल्लाह और उसके रसूल की आखिरी निशानी है, अज़्ज़ वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, तो इसकी इज्जत और एहतराम हमारे ईमान का तकाजा है। कुरान हकीम, वो किताब जो हमारी किताब जिंदगी थी, इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मिथ्स मशहूर कर दी। बस सिर्फ इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, जो साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया अदालतों के अंदर कुरान पे हलफ देकर झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। ये कुरान का टोटल काम ये रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। और अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जमा मौजूद है। देखें, झगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब खुद तर्जमा दे रहे हैं, लोग मेरे बारे में कहते हैं ना कि ये उलमा से दूर कर रहे हैं। सरकार, बिल्कुल उलट बात है, मैं उलमा के आपको करीब कर रहा हूं, लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता, मैं कहता हूं सबकी बात सुनो। हाँ, वो इसको कहते हैं उलमा से दूर करना, वो कहते हैं सिर्फ हमारी सुनो। क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखा हुआ तर्जमा पढ़े? ना मैंने कोई लिख के आपको दिया। मैंने हमेशा कहा कि बरेलवी हो तो अहमद बरेलवी का तर्जमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना, इय्याका नअबुदू व इय्याका नस्तईन का तर्जमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो अशरफ थानवी का तर्जमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के, जो ये दावा करे कि मैं अशरफ थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कुरान पढ़े, इनके बड़े बड़े अब्बों से पढ़े। मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा बरेलवी को, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। अगरचे वो 1921 में फौत हो गए थे, मैं 1977 में पैदा हुआ, लेकिन यकीनन वो कुरान का तर्जमा कमाई के लिए नहीं करके गए थे। उन्हें तो अरबी आती थी, तर्जमा उन्होंने किया था मेरे लिए। उर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है, जिसना साहबा इकराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनकी जुबान में कुरान नाजिल हुआ तो उन्हें डायरेक्ट समझ आता था। खैर, मैंने तो बाद में अरबी भी सीख लिया। अरबी ना भी सीखूं या कोई ना भी सीखे, उर्दू जुबान में जब कर दिया तो हम तो डायरेक्ट अहमद बरेलवी से तर्जमा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अशरफ थानवी से पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट जूनागढ़ी से पढ़ रहे हैं, हम शिया के सैयद फरमानी शाह से तर्जमा पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। तो ये तो शाही कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ये आप खुद मानेंगे कि आप शाही कोई नहीं अपने बड़े बाबों के मुकाबले पे। तो ये तर्जमे इन्होंने कमाइयों के लिए किए थे, ये तो बड़ी कमाई के लिए किए, तो इसलिए किए थे कि पब्लिक को पता चले कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो आप पढ़ने नहीं दे रहे। हमारे एक शिया दोस्त हैं आलम दीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक जुमला गोल्डन जुमला है। उन्होंने कहा कि आज कोई गैर मुस्लिम आके आपसे ये कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं या अभी हुआ हूं, मुझे बताएं, मैंने इस्लाम को स्टडी करना है कि इस्लाम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या डिमांड करता है, तो आप उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे? तो सारों का जवाब ये होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे। और आगे से वो गोरा ये पूछ ले कि भाई आपने भी इसी कुरान को पढ़ के अपने कीदे सही किए थे? हाँ, तो मुंह अड़ के बैठ जाओगे। इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने, मेरे पुरखे जो भी किसी ने कुरान तर्जमा पढ़ा ऐसी, अल्लाह के फजल नाल जदू तक उन्होंने कलमा पढ़ा हूं तक किसी ने कुरान तर्जमा अली से पढ़ा। उसी वजह मैं आपको बता देता हूं, कुरान का तर्जमा बमुश्किल 200-250 साल पहले किया शाहुल्ला दिलवी ने फारसी में, और उसको भी कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, वो चल लोगों तक पहुंचा। एक्चुअली अगर आप देखें तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सॉफ्टवेयर बने आम बंदों के हाथ में है, वरना तर्जमा कुरान तो आपको मस्जिदों में नहीं मिलता था। ओ हाफिज़ कुरान ने तर्जमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ा है? हाफिज हाफिज बन के निकलते, हाफिज नहीं हाफिज, उन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ा हुआ और किसने पढ़ना है?
और जिसके माँ बाप ने उम्मीद लगाई कि सानू लै जाना है कितने जिते आप जाना से। हाँ तरावी के दिनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, तो जिसने जनाबी ही रहेगी तो वही दाढ़ी, और किस लिए? पैसे कमाने के लिए। मुफ्त कौन बना दे तरावियां? ठेके थे उनके ने। हाँ ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे हैं, और कुरान क्या कह रहा है? वा उहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिह वमन बलग। नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं, और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरिए तबलीग करें। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कुरान तो ये कह रहा है, कुरान तो कह रहा है फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद, नबी कुरान के जरिए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्लाह की धमकी से डरता है। कुरान तो यह कह रहा है, कुरान तो सूरह सौद में कह रहा है कि कुरान हमने इसलिए नाजिल किया कि इससे लोग नसीहत हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें और अकलमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किस लिए नाजिल हुआ है? मुर्दे बख्शवाने के लिए। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत कुरान है। वा उहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिह वमन बलग, नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम तक बात पहुंचाऊं जिस तक भी पहुंचे, और वो देखें कैसी पहुंचाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था मैं तुम्हें एक चीज ऐसी छोड़ के जा रहा हूं जिसे पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। वो लिखी रह गई मुस्लिम में हदीस, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में ही लिखी रह गई कि अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा और जवाल दे। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस लिखी रहेगी जी, ये मुस्लिम में ही लिखी रहेगी हदीस। अल कुरान हुज्जतल्लका अव अलैका, कुरान कयामत के दिन या तो तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा, और वो खिलाफ जो गवाही है वो कुरान में आ गई है। वो सिर्फ कुरान नहीं साहिब कुरान भी, सूरह फुरकान आयत नंबर 30 वकाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूलुल्लाह कयामत के दिन शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हाँ हमें शफाअत रसूल का बताया गया जो बरहक है, आसा ये बाता का रब्बू का मकाम महमूदा, कोई शक नहीं, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, अल्लाह ताला हमें उनमें करे जिनको रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये तल्ख पहलू है कि नबी अलैहिस्सलाम ने शिकायत भी लगानी है, जिसकी शिकायत लग रही होगी वो शफाअत किस मुंह से करवाएगा? हम कह रहे हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, और महबूब पहले ही कह रहे हैं कि मैंने शिकायत लगानी है जिसने कुरान को छोड़ दिया। महबूब तो रो रहे हैं इस बात के ऊपर, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़े और मैं ऑडियंस में नीचे बैठा हुआ था, तो रसूलुल्लाह ने कहा अब्दुल्लाह हमारे करीब आओ कुरान सुनाओ। उनका या रसूलुल्लाह कुरान तो आपने नाजिल हुआ है, आपने फरमाया कि मुझे दूसरों से सुन के लुत्फ आता है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं कुरान हकीम पढ़ना शुरू किया और सूरह निसा की मैंने तलावत शुरू की। आप शौक देखें कि सूरह निसा शुरू की, उन्होंने 40 आयात पढ़ दी, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे हुए हैं और वो नीचे कुरान तलावत कर रहे हैं और हुजूर उसका लुत्फ उठा रहे हैं, और जब आयत नंबर 41 पे पहुंचे ना फकैफा इदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो कैसा दर्दनाक वक्त होगा क्यामत का कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उस उम्मत के पैगंबर को उठाएंगे, किस लिए? ये बताए कि उसने दावत का काम किया तो उसके अगेंस्ट उसकी उम्मत ने कैसा रिस्पॉन्स किया। वह जितना अभी का आला हा उला शहीदा, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको गवाह बनाकर उठाएंगे इनके ऊपर जिनमें आपको मबूस किया गया। बस ये आयत सुननी थी, उम्मत तो कहती है जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से है, और महबूब क्या फरमा रहे हैं? अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला बस करो। कहते हैं मैंने निगाह उठा के हुजूर की तरफ देखा तो आपकी दोनों आंखों से जारो कतार आंसू जारी थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ कुरान की इस आयत के तहत गवाही देनी पड़ेगी। हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि मुझे गवाही देनी पड़ेगी कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, मेरे दीन को पसे कुछ डाल दिया, और उम्मत उम्मीद लगाई बैठी है हुजूर ने शिफात करनी है। आप देखें कितना फर्क है। आप हैरान होंगे, मैट्रिक में जब मैं पढ़ता था 1992 में, तो बरेलियों की एक जमात थी अंजमन तुलबा इस्लाम ATI, उनका जो बैज होता था ना उस पर लिखा होता था अगिथनी या रसूल अल्लाह, वो सीधा भी होता था गोल भी होता था ग्रीन कलर का और गोल्डन रंग का, अगिथनी या रसूल अल्लाह। काश उसके नीचे बुखारी और मुस्लिम की उस हदीस का नंबर लिखा होता जिसके अंदर ये जुमला आया है। हम तो उसको लेते थे या रसूल हमारी मदद करे, लेकिन ये जुमला तो नबी इस्लाम ने उम्मत के लिए टॉन्ट के तौर पर बोला हुआ है कि तुम तो मदद मांगोगे मैंने तुम्हारे काम नहीं आना। क्यों? उस हदीस में अल्फाज है मैंने तुम्हें दुनिया में बता दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की गर्दन पे उसकी गाय सवार हो जिसकी उसने ज़कात नहीं दी, जब वो गाय 40 के अदद को पहुंचे, यानी आम गाय की तो ज़कात नहीं है, और वो चीखे मारता कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करें, मैंने तुम्हें दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट का सवार होने का जिक्र किया,
तो अंदाजा करें अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत को एक एक तफसील खोल कर बयान कर दी है, कोई कसम नहीं छोड़ी, खोल खोल कर बातें बयान कर दी हैं, किसी को वहम भी बाकी ना रहे, फिर भी उम्मत को ख्याल ना आए तो अलग बात। सही बात। फिर हजरत वदा से जो वापसी पे नबी इस्लाम ने गदीर का खुतबा दिया है, गदीर खुम का, सही मुस्लिम में ही ऊपर तले चार हदीस हैं 6225 से 6228 तक। मैं अपने बात तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है। हाँ, अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और जायद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी इस्लाम फिर तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। जो कुरान में आया था ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बटो, वो कुरान है गदीर खुम की हदीस में, इसको वाइस वर्सा भी कर लो। बिल्कुल सही बात कि जो कुरान को नहीं पकड़ेगा वो फिरकों में बट जाएगा, क्योंकि कॉमन बांड अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो और फिरकों में मत बटो। इसका क्या मतलब है कि जो नहीं पकड़ेगा फिरकों में बट जाएगा, और वो हो गया। और फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, यानी मेरी वफात के बाद उनके साथ हुस्न सुलूक करना। ये तीन दफा आपने जुमला बोला, लेकिन उम्मत ने ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट उम्मत चली। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा से किसी ने पूछा, जो रसूलुल्लाह की वफात के बाद 75 इयर्स तक जिंदा रहे, 86 हिजरी में फौत हुए, कि बताएं कि रसूलुल्लाह ने अपना वसी किसी को बनाया था, तो उन्होंने कहा नबी इस्लाम ने हमें कुरान के मुताबिक चलते रहने की वसीयत की थी। कुरान वसी रसूल है, खलीफतुर रसूल है, जिसके ऊपर 8 सुनी शिया 2 फिरके बने हुए। सैयदना अबू बकर खलीफतुर रसूल है सहाबा इकराम के इजमा के ऊपर, वसी रसूल नहीं, वसी रसूल कुरान है। वसी रसूल ना सैयदना अबू बकर है ना सैयदना अली है, और वो नेचुरल है, क्योंकि 2 साल के बाद तो हज़रत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, 24 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद सैयदना अली भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के 100 साल के बाद वो दुनिया से चले गए। उसके बाद इस प्लेनेट अर्थ पे कोई सहाबी नहीं है। नबी इस्लाम किसी सहाबी को भी वसी बनाते हैं तो मर तो उसने भी जाना था, ये जिंदा चीज छोड़ी। तो नबी इस्लाम का वसी वो सच के आपका खलीफा, आप अलैहिस्सलाम का इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत, हर चीज। सही बुखारी में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है, जो मैंने ही एक दफा अपने मेंबर से बयान किया है, अदरवाइज वो हदीस आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ 295 सी जुड़ी हुई है। सही बुखारी में एक चैप्टर है किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। इस चैप्टर में इमाम बुखारी एक हदीस लेके आए, हज़रत अबू बकर की बैत की गई ना, तो दूसरे दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऑडियंस से खिताब करने के लिए मस्जिद नबवी में आए, तो उनके खिताब करने से पहले हजरत उमर मिंबर पे चढ़े, जिस तरह आजकल भी स्टेज सेक्रेटरी के तौर में, और कमाल का खुतबा दिया, 2 जुमलों का खुतबा है वो बुखारी में आया, लेकिन मौलवी नहीं आपको बताएगा, जिनको बताना चाहिए वो भी डरते हैं बताते हुए, जिनको नहीं बताना चाहिए वो तो नहीं बताएंगे। हजरत उमर के अल्फाज हैं कि देखो, यानी हुजूर के गम की वजह से लोग दुखी थे, यानी जिस शख्सियत को आप अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़कर अजीज समझते हैं और वो दुनिया से चली जाए, तो साहबे कराम की तकलीफ का अंदाजा कौन कर सकता है। तो सैयदना उमर ने कहा कि देखो, अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो पसंद किया जो अल्लाह के पास था, वो इससे बेहतर था जो दुनिया में है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ए नबी तुम्हारा हर आने वाला लम्हा गुजरे से बेहतर होगा। क्यों? वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम ना बोला जाता हो अज़ान के अंदर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हज़रत उमर के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने वो पसंद किया जो तुम्हारे नबी के लिए बेहतर था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी के जाने के बाद वो किताब छोड़ दी है जिस किताब के जरिए उसने अपने नबी को हदायत दी थी। अब ये बड़ा खतरनाक जुमला था, खतरनाक जुमला था, खतरनाक से भी अगला वर्जन। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं ना उज़बिल्लाह कोई रसूलुल्लाह घुमरा थे, नहीं, कुरान में वाज़ेह आता है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा हवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले हैं। यहां पर भी दल्ला का लफ्ज आया, ये क्या है जो कुरान हकीम में अल्लाह तआला फरमाया वजदा का बोलन फहदा, ए नबी हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुदरफ्ता पाया और हदायत के बुलंद तरीन मरतबे पर पहुंचा दिया। दौल का मतलब गुमराही भी होता है, दौल का मतलब किसी की मोहब्बत में डूबना भी होता है। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, हजरत याकूब के बेटों ने जो खुद सहाबी थे अपने बाप के बारे में क्या कहा था कि हमारे अब्बा जान तो यूसुफ की मोहब्बत में डूब चुके हैं। अब वहां तर्जमा फी दलाल मुबीन का ये तो नहीं करते कि हमारे अब्बा गुमराह हो चुके हैं, वो तो काफिर हो जाते अपने पैगंबर अब्बे को कहते तो नहीं। बाबा ज्यादा का बोलन फहदा, अहमद बरेलवी ने बिल्कुल सही तर्जमा किया, मौला मदूदी ने भी सही तर्जमा किया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और हदायत की आला मंजिल को पहुंचा दिया। यही मजमून सूरह शूरा में भी है कि हमने इस कुरान के जरिए अरबी आपको उस आला दर्जे पर पहुंचाया। मा कुन तदरीम अल किताब वल ईमान, इस कुरान के नजूल से पहले आप ना किताब जानते थे ना ईमान की तफसीलात, बल्कि अल्लाह ने इसको
हदायत और नूर का जरिया बनाया हुआ, इन नकल तहदी इला सिराते मुस्तकीम, और नबी बेशक अब आप भी लोगों को हदायत की तरफ बुलाते हैं। तो नबी साहब वो बता रहे खुतबा क्यों नहीं लोग बयान करते थे, उसमें जो हजरत उमर का जुमला है ना कि अल्लाह ने इस किताब के जरिए तुम्हारे नबी को हदायत दी, तो अब इसके लोग डरते थे यार ये तो कहेंगे नबी को गुमराह मान रहे हैं। भाई तुम एक्सप्लेन करो, हमने भी कर दिया, ये कभी भी खुतबा बयान नहीं हुआ। और ये खुतबा सही बुखारी में लिखा हुआ है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर की खिलाफत एस्टैब्लिश होने के दूसरे दिन खुतबा दिया। कमाल का खुतबा है, इतना स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है, जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह कुरान ने रोक लिया है, अब आपकी शफात भी उनके काम नहीं आएगी जिनको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया। और कुरान ने किनको रोक लिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना वमावाहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, बेशक जो कोई भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उसमें जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है, वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। कुरान ने जन्नत हराम कर दी हुई है। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह, और शिर्क और नमाज ये दो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। कुरान की तोहीन वही लोग कर रहे हैं असल में जो कुरान पढ़ने से रोक रहे हैं जिसकी वजह से शिर्क फैल रहा है, और नमाज से कोसों दूर है क्योंकि उन्होंने कुरान तो पढ़ा नहीं, उन्हें पता कैसे चले कि कुरान का मुसलमान और है और पाकिस्तान का मुसलमान और। हाँ अच्छा। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, कुरान का मुसलमान और है पाकिस्तान का मुसलमान और। बिल्कुल, कुरान का मुसलमान ये है वह अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम आयत नंबर 31, देखना नमाज को कायम करना मुशरिक ना हो जाना। इस पर तो काफी बोला जा सकता है, मेरी कई एक वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं इस हवाले से। मैंने ये मौका गनीमत जाना कि मैं मुसलमानों के दिमाग के ऊपर स्ट्राइक करूं कि खुदा के लिए कुरान को जो आग लगी इस पर जो आप सीख पा रहे हैं, सबसे बड़े तो दुश्मन आप लोग हैं जो जुजदान में कुरान को लपेट के, और देखें जो महंगे वाले कुरान होते हैं ना तर्जमे वाले उनके ऊपर लाभ भी चढ़ा होता है, ताकि तस्वुर से कि मैं इसको इतनी दफा यूं करूंगा खोले ही ना उधर ही पढ़ा रहे। बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के आयन में जहां ये चीज शामिल है कि पाकिस्तान में कुरान गलतियों से पाक प्रिंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए कुरान के एंड पर लिखा होता है कि अगर कोई गलती देखें तो वापस भेजें हम आपको नया नुस्खा देंगे। पाकिस्तान के आयन में यह चीज भी दाखिल की जाए कि बगैर तर्जमे के कुरान छापना हराम हो, यानी पाकिस्तान के कानून में, वो शरी तौर पर हराम नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, चले जुर्म कह लें उसकी। भाई पाकिस्तान में क्या तुक बनता है जहां 99.99% लोग अरबी नहीं जानते, वहां अरबी वाला कुरान सिर्फ प्रिंट करना, इतना बड़ा जुल्म है। मौलाना मुदूदी रहमतुल्लाह का तर्जमा प्रिंट किया है तर्जमान कुरान वालों ने, बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो आप देखते हैं ना ऊपर अरबी नीचे उर्दू, उन्होंने पता क्या किया है, एक सफा पूरे का पूरा अरबी और उसके सामने वाला सफा उर्दू, अगर सिर्फ किसी ने उर्दू भी पढ़ना है ना वो पढ़ता गया। अच्छा लोगों को ये फिक्र पड़ जाती है यार उर्दू वाला पढ़ेंगे तो सवाब नहीं होगा क्योंकि 10-10 नेकियां नहीं मिलेंगी, सरकार तुहाडा एक उर्दू का सफा तुहाडी आने वाली नस्लों में और गुजरे हुए बुजुर्गों के हजारों कुरान पढ़ने से बेहतर है जो आपको कम से कम शिर्क से बचा के तौहीद के ऊपर ले आएगा। ठीक है ना, अगर तौहीद ही ना मिली तो एमए कुरान खत्म करने का क्या फायदा होया, जो कुरान खत्म करके भी तो फिर दुआ कहना जी या रसूलल्लाह हुजूर हालना या शेख अब्दुल कादर जिलानी शैयन लिल्ला, कुरान के लिए पढ़ के दुआ हो रही है और बीच में ये निकल रहा है तो क्या कटे तू कुरान चो, तो खुदा के लिए कुरान तर्जमे वाला घर में भी कम से कम आप लोग तो करें ना जी, सारे मुसलमान अपने घरों में वो तर्जमा रखें जो जुबान आप समझते हैं, इसके बगैर आप सिर्फ अरबी वाला कुरान ना रखें। क्या बात है यार, मतलब आज की जो वीडियो थी ना वो ये कहते हैं कि आंखें खोल देने वाली वीडियो थी। सच में इस वीडियो के अंदर इतना कुछ उन्होंने बताया और ये बात बिल्कुल सच है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमें पता है कि कुरान क्या है, हम सब जानते हैं कि उसके अंदर कितने चमत्कार हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, सब लोग इसको जानते हैं, पर कोई करना नहीं चाहता, कोई कुरान पढ़ना नहीं चाहता। और ये इतना अच्छा महीना चल रहा है, मुझे लग रहा है ये वीडियो हमने बहुत अच्छे टाइम पे करी है, इतना अच्छा महीना चल रहा है, अगर आज के टाइम पे ही सब लोग कुरान पढ़ना शुरू कर दें, उसके सिर्फ पढ़ना नहीं उसको समझना, उसके उस पर चलना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए। और जैसा अली मिर्जा जी ने बताया कि आपको जो लैंग्वेज समझ आती है आप उस लैंग्वेज में रखो, जरूरी नहीं है आपको अरबी लैंग्वेज में ही कुरान पढ़नी, आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पर आप पढ़ो तो सही, ये सबसे बड़ी बात है। वाकई में आज की वीडियो की जितनी तारीफ करूं, क्योंकि बिल्कुल आंखें खोल देने वाली ये वीडियो थी। बहुत घरों में ऐसा होता है, मैं ये सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए नहीं बोल रही, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लें, ये आजकल एक ट्रेंड सा चल चुका है कि पता नहीं कुछ हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके धर्म से तोड़ना चाहेंगे।
वो हमेशा आपको उल्टी राय देंगे कि इससे पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस आप थोड़ा सा ही नाम ले लीजिए आपका काम हो जाएगा। वो बहुत ऐसे शॉर्टकट्स निकालते हैं ताकि आप मेन चीजों से दूर होते जाएं, अपनी कस्टम अपने ट्रेडिशन से दूर होते जाएं, जिससे कि धीरे धीरे आप एक दिन अपने धर्म से ही टूट जाएंगे। और जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने कहा, ये बात मुझे बहुत सच लगी कि वाकई में हम ये टाइम फेस कर रहे हैं जब लोग आपको कुरान से ही तोड़ देंगे, कि ना आप कुरान पढ़ेंगे ना आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी, ना आपको समझ आएगा कि कुरान कह क्या रही है, आपका धर्म आपको समझा क्या रहा है। तो जब आपको धर्म ही नहीं समझ में आएगा तो आप क्या ही आगे फॉलो करेंगे या आने वाली नस्लें उसे क्या फॉलो करेंगी। तो वाकई में आज की वीडियो की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि हम सबको अगर किसी भी धर्म में पक्का होना है तो हमें उस धार्मिक किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और आप इस धर्म में बिलीव करते हैं तो कुरान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी मैं आज की वीडियो मुझे बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।